22 यार्ड की दुनिया में सैकड़ों आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो सक्सेस और फेलियर के बीच खड़ा होता है, माही वही तो कहलाता है। कामयाबी नाकाम होने से शुरू होती है, जो इसे जान लेता है धोनी वही बन पाता है। ठीक 15 साल पहले 22 यार्ड की इंटरनेशनल पिच पर छोटे से शहर का एक लड़का कामयाबी की झंडे गाड़ने उतरा। पिच पर जब पहली बार धोनी उतरे तो उनके पांव पिच की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं पा सके और पहले ही मैच पे धोनी को रनआउट होकर जाना पड़ा। उस रनआउट के ठीक 14 साल बाद धोनी एक बार फिर रनआउट हुए। उस रनआउट से इस रनआउट के बीच धोनी महेंद्र सिंह धोनी बन गए, हिंदुस्तान के क्रिकेट को अनंत आकाश की ऊंचाई देने वाले धोनी। मनमौजी, मस्त मौला, हरफन मौला, हर दलों को जीत लेने वाले धोनी की पूरी कहानी का सार रनआउट से शुरू होता है और रनआउट पर ही खत्म हो जाता है। क्रिकेट में आउट शब्द एक प्लेयर के लिए बुरा सपना होता है, पर रांची के राजकुमार को सपने में जीने की आदत कहां थी। दिसंबर 2004 में धोनी को ब्लू कैंप में शामिल होने का पहली बार मौका मिला था। अंडर 19 में उनके जलवे के हजारों किस्से सुने और सुनाए जा रहे थे। धोनी इंटरनेशनल वनडे में पहली बार जब क्रीज पर आए तो लगा कि अब जैसे चमत्कार होने ही वाला है। अगले ही पल लाखों करोड़ों फैंस का दिल मायूस होकर बैठ गया। इंटरनेशनल वनडे करियर के पहले ही मैच में धोनी रनआउट हो चुके थे। ये मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था। धोनी को यकीन नहीं था कि अगले मैच के लिए वो खेल भी पाएंगे या नहीं। टीम इंडिया के मुकद्दर को सिकंदर की तरह अजेय बनाने वाला आ चुका था और वो थे महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद दुनिया कैसे 360 डिग्री एंगल पर घूम गई, जरा वो भी देखिए। 2007 में जो टीम बांग्लादेश जैसी टीम से वर्ल्ड कप में बुरी तरह हार गई थी, उसी टीम ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। उसके बाद किसी पीर की तरह धोनी जिसे छू देते वो पारस पत्थर सा अनमोल बन जाता था। लेकिन नियति का एक नियम और भी होता है, उदय के बाद अस्त होना ही पड़ता है। 10 जुलाई 2019 को धोनी को आखिरी बार बैटिंग करते देखा गया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैच फिनिशर धोनी हनुमान की तरह डटे तो थे, लेकिन भारत को पराजय की 7.5 से बचा नहीं पाए। 50 रनों की जुझारू पारी खेली और एक नो बॉल पर विकेट गंवा बैठे। दुनिया समझ गई ये सितारा अस्त होने को आ चुका है। क्रिकेट के अंजुमन से विदाई का अफसाना धोनी ने उसी दिन लिख दिया था और तकरीबन साल भर क्रिकेट से दूर रहने के बाद विदाई ले ही ली। धोनी कोई मामूली सितारा नहीं थे, क्रिकेट के फलक पर ध्रुव तारे की तरह जगमगाने वाले, जो कभी बेनूर नहीं हो सकता। क्रिकेट के आसमान पर सप्तर्षियों के बीच चमकने वाले धोनी। एमएस, आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी जवानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप पल दो पल के शायर नहीं। आप भी उस पल का हिस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा है। मशरूफ जमाना आपके लिए अपना वक्त सजाएगा। आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी कहानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप हर एक पल के शायर हैं। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी वॉज नॉट ओनली अ गुड बैट्समैन और वेरी सक्सेसफुल कैप्टन। आई थिंक इफ लुक एट हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस, ही वॉज एन ऑलराउंडर, फ्रॉम अ विकेट कीपर टू अ बैट्समैन फॉर अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन एज वेल। आई थिंक ही हैज गिवन कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टूवर्ड्स द इंडियन क्रिकेट। आई विश हिम गुड लक फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। हिज फैंस विल मिस हिम, बट आई थिंक इट्स अ टाइम टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द यंग प्लेयर्स टू कम एंड प्ले फॉर टीम इंडिया। सुरेश रैना ने भी आज ही संन्यास लिया है, उन्होंने भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी ओर से भारतीय क्रिकेट के लिए की है। तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों को ही संन्यास लेने पर, और क्रिकेट से संन्यास लिया हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, लेकिन भविष्य में वो कुछ भी करना चाहें उसके लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से अपील किया है कि महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच रांची में करवाया जाए, इस पे आपका क्या? बहुत ही अच्छा, उनका जो सोच है बहुत ही अच्छा है, और एक बार फिर इस तरह से हम उनको बधाई देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी वो राज्य के मुखिया तो हैं ही हैं और खेल मंत्री भी हैं, तो जिनके कारण ये
जो डिसीजन है उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और मैं चाहूँगा बीसीसीआई भी इस पर अमल करे और रांची में जेसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच हो जिसमें एक बार फिर रांची को या झारखंड के लोगों को धोनी को उत्साह बढ़े। और मैं एक बार इसके अतिरिक्त एक बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार राज्य के मुखिया और खेल मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी राज्य में खेल नीति लागू करने जा रहे हैं, उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं।